पहुंच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं अमृतसर से, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया है। एनकाउंटर में एक कैमरामैन भी घायल बताया जा रहा है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस का बयान, गैंगस्टर है या आतंकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अटारी गांव के पुरानी हवेली में छिपे गैंगस्टर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और एक गैंगस्टर ढेर हुआ है और इसके साथ ही एक कैमरामैन को भी गोली लगी है जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर पुलिस का बयान सामने निकल कर आया है। कहा गया है कि गैंगस्टर हैं या आतंकी हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अटारी गांव के पुरानी हवेली में ये सभी गैंगस्टर छिपे हैं, जहां पर पुलिस इनसे मुठभेड़ कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमृतसर से। पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया है। एनकाउंटर में एक कैमरामैन भी घायल हुआ है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस का बयान भी सामने निकल कर आया है। गैंगस्टर हैं या आतंकी अभी इस चीज की पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। अटारी गांव के पुरानी हवेली में ये सभी गैंगस्टर्स छिपे हैं, जहां पर ये मुठभेड़ जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर के अटारी गांव में ये सभी गैंगस्टर छिपे हुए हैं, जहां पर पुलिस की इनसे मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में चार गैंगस्टर मारे गए हैं। एनकाउंटर में एक कैमरामैन भी घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया है। एनकाउंटर में कैमरामैन घायल हुआ है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस का बयान भी सामने निकल कर आया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि ये गैंगस्टर हैं या आतंकी, ये पुलिस ने कहा है। फिलहाल पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अटारी गांव के पुरानी हवेली में सभी गैंगस्टर्स छिपे हुए हैं। पंजाब पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच ये मुठभेड़ जारी है। पुलिस मुठभेड़ में चार गैंगस्टर मारे गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन पांडे हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, पंजाब पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई उसके बाद से पंजाब पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था कि जो गैंगस्टर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसको पुलिस को कुछ सफलता भी मिलते रही समय समय पर। लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता मिली जब अटारी बॉर्डर के पास चार से पांच गैंगस्टर छुपे, पहले छह से सात गैंगस्टर छुपे होने की आशंका जताएगी, लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है चार गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने मार दिया है। पहले बीच में खबर भी आई थी, वहां पर एसएचओ ने ये भी कहा था कि ये आतंकी हैं या गैंगस्टर हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये डीजीपी ने साफ कर दिया कि जो गैंगस्टर मारे गए हैं वो चार गैंगस्टर मारे गए हैं और एनकाउंटर में दो शूटर्स भी मारे गए हैं, पंजाब पुलिस दावा कर रही है। और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पंजाब पुलिस को सिद्धू मूसेवाला केस में, जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बना हुआ था, पंजाब सरकार की भी इससे किरकिरी हो रही थी, लगातार अपराधियों को पकड़े जाने की कवायद बहुत तेज कर रखी थी भगवंत मान ने, खुद उसको निगरानी कर रखे थे भगवंत मान ने, लेकिन आज पंजाब पुलिस को काफी बड़ी कामयाबी मिली। चार शूटर्स मारे गए हैं और उनके पास से AK-47 बरामद हुई। आप ये सोच सकते हैं कि उन गैंगस्टर्स के पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं जिनके जो AK-47 लेके चल रहे हैं। सत्यम, चंदन, ये बताया जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है, अभी कितने और गैंगस्टर छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आया है? बिल्कुल सत्यम, अभी गैंग जो कार्रवाई है वो चल रही है और जो सारा घटनाक्रम है वो चल रहा है, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं सामने आई है कि कितने और छुपे हुए हैं, लेकिन अभी पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि चार शूटर्स जो हैं या गैंगस्टर हैं उन्हें मार दिया गया है। इसका बाकायदा जो बयान दिया है वो डीजीपी ने दिया है,
पुलिस के आला अधिकारी थे वहां पर और डीजीपी ये दावा कर रहे थे कि चार लोगों को मार दिया गया। तो अभी इसकी कोई जानकारी नहीं सामने आई है कि कितने लोग और छुपे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल चार लोगों को मार देगा और पुलिस अभी सर्च अभियान चला रही है कि और क्या वहां पर कोई और है या नहीं है। सत्यम चंदन, इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है जिस तरीके से दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, उधर गैंगस्टर फायरिंग कर रहे हैं और इधर से पुलिसकर्मी भी फायरिंग कर रहे हैं, इस दौरान क्या किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है? जी बिल्कुल सत्यम, बीच में खबर आई थी कि एक कैमरामैन है जो न्यूज चैनल है वहां पर, एक कैमरामैन उनका घायल हो गया था, लेकिन किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर नहीं आई थी। लेकिन अभी आपको बता दूं कि जो पूरा घटनाक्रम है, जो कार्रवाई चल रही थी वो खत्म कर दी गई, अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है और वहां पर वो चीजें देखी जा रही है कि क्या कुछ बरामद होता है। फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं चली, जो पूरे शूटर्स थे उन्हें मार दिया गया और उनके पास उनके शवों की बरामदगी कर ली गई है और उनके पास से AK-47 अत्याधुनिक जैसे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। सत्यम, कितने आरोपी यहां से दबोचे गए हैं? सत्यम मैंने आपको कहा कि चार गैंगस्टर्स मारे गए हैं, तो चार गैंगस्टर मारे गए, ये आरोपी दबोचे नहीं गए हैं। चार गैंगस्टर जो वहां पे छुपे हुए थे, पहले 6 से 7 गैंगस्टर से छुपे होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अभी डीजीपी ने कहा है कि चार गैंगस्टर्स को मार दिया गया है। तो अब इसके आगे कोई सवाल ही नहीं उठता कि कितने और छुपे हुए हैं, क्योंकि देखिए सुबह 11 बजे से एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा था, 4-5 घंटे 6 घंटे का बहुत पूरा घटनाक्रम चला था और उसके बाद पुलिस को सफलता मिली। सत्यम, इन गैंगस्टर्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल सत्यम, ये वही गैंगस्टर हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई थी। सिद्धू मूसेवाला की जो थार जीत थी उन्हें उसमें गोली उस पर गोली चलाई थी। इसमें मनप्रीत मन्नू ढेर हुआ है, जगरूप ढेर हुए हैं, 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली, अभी जानकारी सामने आ रही कि 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लग गई है। ये सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है सत्यम कि जो गैंगस्टर थे वो पाकिस्तान जाने की फिराक में छुपे हुए थे, पाकिस्तान सोच रहे थे कि पाकिस्तान निकल जाएंगे और अटारी बॉर्डर क्रॉस करके सीधा पाकिस्तान के क्षेत्र में एंट्री ले लेंगे, जिससे उन्हें जो पुलिस की गिरफ्त है उनसे वो बच जाएंगे। सत्यम, चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन।